इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में किसानों ने किया बवाल। किसानों की ट्रैक्टर रैली में जमकर जगह जगह हंगामा हो रहा है। पुलिस की तरफ से किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। किसानों ने कई जगह बैरिकेड भी तोड़ दिए। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें किस तरह से दिल्ली में जगह जगह किसानों ने बवाल काटा, हंगामा किया और कई जगहों पर पुलिस से भी किसानों की नोकझोंक हुई। जो तय रूट था, जिस रूट पर ट्रैक्टर पर निकाली जानी थी, उसके विपरीत जाकर किसानों ने अपना वादा तोड़ा और इस वक्त जगह जगह जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मद्देनजर कहा जा सकता है विरोध प्रदर्शन के नाम पर इस वक्त अराजकता भी देखी जा रही है और जमकर जगह जगह बवाल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ, दिल्ली में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस को किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा और कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन जो रूट निर्धारित था उस रूट के विपरीत किसानों ने जगह जगह पहुंचकर जिस तरह से हंगामा किया और उसके बाद स्थितियां बेकाबू होती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कुछ जगहों से खबर आ रही है किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए, रैली के लिए जो रूट दिया गया था उस रूट के विपरीत ट्रैक्टर जगह जगह से निकलने लगे और उसके बाद माहौल लगातार तनावपूर्ण होता हुआ। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसान और पुलिस सामने सामने, और ऐसी तस्वीर दिल्ली के अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड हुई निकली थी और उनके साथ घोड़ों पर निहंग फौज भी चल रही थी। सिंगू और टिकरी बॉर्डर से किसानों के जत्थे पैदल ही निकल पड़े। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मद्देनजर कहा जा सकता है कि किसानों ने जो वादा किया था उसके विपरीत स्थितियां इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। किसानों ने जगह जगह जमकर बवाल काटा, विरोध कर रहे किसान प्रदर्शनकारी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और तस्वीरों के मद्देनजर ये कहा जा सकता है, ये सवाल सामने खड़ा हो रहा है कि आखिरकार किसानों ने अपना वादा क्यों तोड़ा। पुलिस की तरफ से किसान संगठनों को यह कहा गया था कि गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद 12 बजे से ट्रैक्टर मार्च निकालें, लेकिन किसानों ने परेड शुरू होने से पहले ही ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया था। और अब देखिए स्थिति कितनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है दिल्ली में जगह जगह। किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते हुए और पुलिस ने जो रूट दिया था उसे विरोध कर रहे ये प्रदर्शनकारी किसान बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। कई जगहों से पुलिस को पीछे भी हटना पड़ा, हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए। और अब देखिए यहां पर क्या स्थिति है, किसानों की ट्रैक्टर रैली में जमकर हंगामा, बवाल और कुछ जगहों से तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं। पुलिस ने कई जगहों पर आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया, उसके बावजूद भी किसान ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रदर्शन कर रहे किसान मानने को तैयार नहीं है। ये देखिए इन तस्वीरों में सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर डटे किसान जो कृषि कानून के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन, पुलिस से
ट्रैक्टर रैली को लेकर इजाजत मिल भी गई थी शर्तों के साथ तय रूट पर, लेकिन जो रूट तय था उसके विपरीत जाकर किस तरह से ट्रैक्टर रैली में शामिल किसान जगह जगह पहुंच गए और स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। ये देखिए कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से पुलिस और आंदोलन कर रहे किसान आमने सामने आ गए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है, पुलिस के मुताबिक निहंगों ने हमले की कोशिश भी की, निहंग हाथों में तलवार लिए आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस का ये कहना है कि निहंगों ने हमले की कोशिश की। जी हाँ, दिल्ली में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन ये कैसा ट्रैक्टर मार्च, ये कैसा विरोध प्रदर्शन। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली पुलिस से बातचीत के दौरान जो वादा किया था वो वादा खिलाफी क्यों की गई, इसके पीछे कौन कौन, क्या मकसद है। पुलिस ने किसानों को सिर्फ 5,000 ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालने की मंजूरी दी थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मद्देनजर हजारों की संख्या में इस वक्त ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, इन तीन रूट्स पर अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए ट्रैक्टर रैली को लेकर मंजूरी दी गई थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मद्देनजर कहा जा सकता है कि पुलिस द्वारा दिए गए रूट को किसानों ने फॉलो नहीं किया और यही वजह है कि जगह जगह हंगामा, बवाल और तनाव की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक साथ चार तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर। दिल्ली में जगह जगह माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है, किसान और पुलिस सामने सामने आ गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने किसानों से कहा था गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद 12 बजे से ट्रैक्टर मार्च निकालें, लेकिन किसानों ने परेड शुरू होने से पहले ही ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, जगह जगह बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए, बैरिकेड को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ते गए और देखिए नौबत यहाँ पर किस तरह से बिगड़ती जा रही है, हालात ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक तरफ ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी, उनके साथ घोड़ों पर सवार निहंग भी चल रहे थे और पुलिस के मुताबिक कुछ जगहों पर निहंगों ने हमला भी किया जिसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। किसानों ने वादा खिलाफी क्यों की, क्यों तोड़ा वादा। पुलिस ने जो रूट ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर निर्धारित किया था उस रूट के विपरीत किसान ट्रैक्टर रैली जिस तरह से निकाल रहे हैं, आखिरकार इसका मकसद क्या है। जी हाँ, सवाल किसानों ने क्यों तोड़ा अपना वादा। दिल्ली में किसान कर रहे हैं जमकर बवाल और तस्वीरों में देखिए अब यहाँ पर निहंग नजर आ रहे हैं जिनके हाथों में तलवार भी है, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर जहाँ पर काफी संख्या में एक ही जगह पर किसान डटे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस की तरफ से जो रूट निर्धारित किया गया था, जिस रूट को लेकर ट्रैक्टर रैली की इजाजत दी गई थी, उस रूट पर ना जाते हुए किसानों ने रास्ता क्यों बदला। अमन नीचे ज्यादा पत्थर लग जाएंगे, यहाँ नहीं लगेंगे पर नीचे लग जाएंगे हमारे पत्थर। जानकारी के मुताबिक बैरिकेड तोड़ते हुए किसान
लाल किले और इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। जगह जगह पुलिस से झड़प की भी खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से निहंग हाथों में तलवार लिए आगे बढ़ रहे हैं और जमकर हंगामा हो रहा है। विरोध का ये शोर बवाल में तब्दील हो चुका है। दिल्ली के पांडव नगर की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी स्थितियाँ ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई थी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। एक बार फिर से देखिए किस तरह से निहंग हाथों में तलवार लिए आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस का ये आरोप है, पुलिस का ये कहना है कि कुछ जगहों पर निहंगों ने तलवार से हमला भी किया जिसके बाद स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ गईं, तनावपूर्ण हो गईं। कई जगहों से खबरें ये भी सामने आ रही हैं, एक तरफ ट्रैक्टर रैली आगे बढ़ रही थी, दूसरी तरफ पैदल चल रहे किसानों ने बैरिकेटिंग को तोड़ दिया और वो